गाजियाबाद के लोनी नगर पालिका क्षेत्र में कॉलोनी वासियों ने लोनी चेयरमैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए सांसद का विरोध किया। दरअसल मामला लोनी के इंद्रपुरी कॉलोनी का है, जहां कॉलोनी में विकास को लेकर पोस्टर लगाए गए और मूलभूत समस्याओं के स्लोगन लिखे बैनर और पोस्टरों पर गाजियाबाद सांसद वीके सिंह के पोस्टर लगाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और निर्माण कार्यों में जांच कराने की मांग की। कॉलोनी वासियों का कहना है कि 2017 से लेकर अब तक सड़कें खुदी हुई पड़ी है, जिनके चलते कॉलोनी में धूल मिट्टी की भरमार है। कॉलोनी में गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन नगरपालिका इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इस क्षेत्र की हालत पहले से भी ज़्यादा बदतर होती जा रही है, जबकि यहाँ चेयरमैन बीजेपी, विधायक बीजेपी, सांसद बीजेपी, उसके बावजूद हमने सब नहीं वोट बीजेपी को डाला और आज ये हालत है कि रोड पे चलने लायक रास्ता नहीं है। थोड़ी सी बारिश होने के बाद यहाँ पानी से लबालब रोड हो जाती है। ये हालत देखिए रोड की, 3 साल से ये रोड ऐसी की ऐसी है, धूल उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है, कीचड़ होती है। ये नाली की निकासी नहीं है, यहाँ भैंसों की डेयरी है, बहुत हो गई है, ये रोड नहीं बन रही है। हमें कम से कम 30-31 साल हो गए यहाँ रहते हुए और हमारे सामने वाली रोड 2 साल से बनी नहीं है, मिट्टी पड़ी हुई है और सबके मकान ज़्यादातर कॉलोनी में नीचे बैठ गए हैं।